नमस्ते इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्ते। तो यार आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सभी को आप सभी को और एक नया वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आप देख रहे हैं ड्राइव ट्रैवलर और मैं हूँ लोगो। और आज जा रहे हैं हम लोग ट्री हाउस चिल्ड्रेन होम। ट्री हाउस का मीनिंग क्या मुझे नहीं पता, ये मुझे बताएगा। किसामा ये केनिया के अंदर है। और जब मैं इस बारे में सुना तो आया, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, इससे पूछेंगे। तो ये लोग कुछ मुझे बोले कि वहाँ जाने के लिए कुछ खाना के सामान लेके जाना होगा, कुछ भी आप जो चाहे ले सकते हैं। तो मैंने इनको पैसा दे दिया था, मैंने बोला कि जो चाहिए आपको ले लो, बच्चों की बात है। तो ये देखो, ये व्हाट इज दिस वन, सोप। ओ ये वॉशिंग सोप, ये कपड़ा साफ करने के लिए। तो ये सब खाने का सामान लेके जा रही है। तो देख रहा हूँ वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस आज कर रहा हूँ, नया जगह जा रहा हूँ मैं। शायद कोई भी इंडियन बिफोर कम इंडियन विजिट इंडियन बिफोर विजिट इंडियन दिस प्लेस इंडियन तो यहाँ पे कोई इंडियन नहीं आया है। दिस इज द ट्री हाउस। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्री हाउस चिल्ड्रेन होम फैमिली। तो चलिए अंदर। हेलो, हमारो हेलो, यहाँ पे तो भाई काफी सारा बच्चे हैं। यहाँ पे भाई बच्चे सब खाना खा रहे हैं। हेलो, हाय हाय। नादिया, इनका नाम नादिया है। नादिया, आई एम द मदर टू ऑल दिस चिल्ड्रन। ओह या, दिस इज ट्री हाउस चिल्ड्रन्स होम। या तो इनका नाम और जो है टेक और गेट नादिया। और ये सब बच्चों की माँ जो है, यहाँ का मॉम का कैरेक्टर यही निभाते हैं और सब देखभाल यही करते हैं। So who is the build this house? Okay, it's for the children's home. Yeah, we did because we just bought the land and got the light funds to build. Who is the funding? We don't have a major funder. We have different people, Kenyans. You send 1,100. We usually do fundraising online. Okay. On Facebook, Instagram, Twitter, and those who the latest is this building. They have 4 rooms, so we want to add 7 more rooms, and we just do fundraising online and people. So we don't have any like major funder. The only person that we have, maybe you can say, for school fees of the few of them, those in primary, we have someone who pays for their school fees, but not all of them. Yeah. How many children? We have 75. 75 children. 2 years to 20 years. 2 years to 20 years. Yes. Okay. How much people handle all about the study, for the study and cooking? We are around 10 people. 10 people. Yeah, mostly volunteers. We don't have like staff that we pay as such, because we haven't got there. We don't have administration money or cost. So those who are around, we are around 10. Most of them are volunteers. Yes. Yeah, most of them are volunteers. Right now they don't have a caretaker, so whoever is around, you cook. The big kids, they cook. So, because right now we don't have someone to take care of them. So everyone does that, yes. तो भाई इनका जो बोलना था कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये सब बेड है इनका, और ये जो घर है, इन्होंने ऑनलाइन थ्रू से कुछ पैसा फंडिंग, कोई ऐसा फंडिंग नहीं किया है। और यहाँ पे 10 जन रहते हैं पढ़ाने के लिए, कुकिंग करने के लिए, और इनको ख्याल रखने के लिए। और इतना ज़्यादा लोग रही है, लेकिन उनका सैलरी के लिए भी पैसा नहीं होता है।
लेकिन ऑनलाइन से कुछ पैसा लोग केन्या से सर हर एक कंट्री से फेसबुक से इंस्टाग्राम से लोग यहाँ पे मतलब डोनेट करते हैं उसी पैसा से। ये जो है ट्री हाउस चिल्ड्रन जो है ये नाम दिए हैं ये लोगों ने हाउस, यहाँ पे पढ़ाया जाता है और जो स्ट्रीट रोड का जो बच्चे हैं उनको रखा जाता है, जो बाहर घूमते हैं बच्चे उनको उठा के ला के यहाँ पे रखा जाता है। भाई काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप इनका बेड भी देख सकते हैं, ये ऐसा बेड है और एक बेड में शायद दो बच्चे रहते हैं। और मनिका। इनका नाम भाई मनिका था। व्हाट्स योर नेम? मेसेला। ओह नाइस नेम। व्हाट्स योर नेम? सनीसा। तो यहाँ पे भाई काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका नाम बता रहे हैं ये लोग, और अभी इनका लंच टाइम और एग्ज़ाम भी है अभी हाफ टाइम के बाद, तो ये लोग बोल रहे हैं अभी थोड़ा सा इनसे बातचीत कर लो फिर तुम जा सकते हो। गवर्नमेंट एनी सपोर्ट फंड फॉर द फंड? नो सपोर्ट। They bring children, but it's no support. Okay. Yeah. Now apart from maybe the office staff, you if you need a document, of course they will support you, but no funding. और 75 या 78 बच्चे हैं यहाँ पे जो कि 2 साल से लेके 20 साल तक हैं यहाँ पे, और इनको खाने के लिए चावल वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। और थोड़ा यहाँ पे घूम लूँगा बाहर सब, और इनका सामान जो लाया हुआ है वो सब भी इनको देना है। और थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आके बहुत मन से ये जो कर रहे हैं ना ये कोई नहीं कर सकता, इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो इनके जैसा थिंकिंग रखते हैं, इनके जैसा काम करते हैं, इतने सारे बच्चों का केयर रखना। और भगवान से मैं यही दुआ करूंगा इनको लंबी उम्र दे और इनको मतलब और ताकत दे ये सब चीज़ों से लड़ने के लिए। और योर फैमिली ऑल्सो सपोर्ट दिस योर फैमिली support also? Yes. My husband is the one who started. Okay. Your husband started? Yes. Okay. Can I see your husband? Actually, I told him to. We are going to the office when you are moved. Okay. तो इनका जो family है वो भी support करते हैं। और क्या बोलूँ, थोड़ा बहुत अंदर घूम लूंगा और फिर यहाँ से जाएंगे। सो ओके टाइम वेर इज एनी वाटर कम जी ना मी नाइटवा आलिस लो tulikuwa tumekuja kuwatembelea kuona new friends ndio to make a new friends ndio tarudi tena god willing ningependa kuwaona again ndio are we welcome here yes so we shall come back again so nice time. Thank you. Sasini. Wow. Mimi naitwa James Kani. Naishi hapa Nairobi. Leo nimefurahi sana kuja hapa kuona. Actually ni first time yangu kuja kusoma. Nimefurahi sana kuona na I wish nimesikia mko na exam. I wish you all the best. Thank you. So much. Sai pe ye log rehte hain aur Rupi sir thing is the office. Body. Hi. Mr. Nir. Yes. कुकवाजे कॉफी थी। तो ये इनका ऑफिस है और यहाँ से सब चीज़ को हैंडलिंग हेलो सर, एंड यहाँ पे सब ऑफिस का जो काम है किया जाता है। हम लोग वही यहाँ पे 4 दिन आए थे, रोयन मैं और उसका 2 फ्रेंड, और फिर यहाँ से दूसरी जगह भी जाना है तो देखता हूँ। और यहाँ पे इनका किचन है जहाँ पे इनका खाना वगैरह सब सर्व किया जाता है। यह पूरा किचन एरिया है। हेलो, यहाँ पे पूरा किचन एरिया है, यहाँ पे खाना देते हैं और उस साइड पे भी किचन है।
स्टडी रूम एक ही है, वहीं पे स्टडी किया जाता है। यहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। यहाँ पे भाई इनका घर बनाया जा रहा है। यू ऑल्सो कम फर्स्ट टाइम? यू ऑल्सो कम फर्स्ट टाइम? इट्स माय फर्स्ट टाइम। ओह, हाउ योर एक्सपीरियंस? सो अप टू दिस, हाउ योर एक्सपीरियंस? इट वाज गुड। या गुड, एंड वी आर ट्राइंग। सपोज यू, एंड वी वांट मोर सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस हु आर वाचिंग अस। सपोज यू हियर, यू स्मॉल चिल्ड्रन एंड हियर, कैन यू सर्वाइव हियर? Yes, I can survive because I love children. Oh, very much. Okay. Yeah. That is so okay. Go back and so ऐसा था, यहाँ पे घर बनाया जा रहा है इनका। आई होप कि इनको गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट। दिस इज द लैट्रिन, दिस इज द टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम। दिस फॉर बॉयज, दिस फॉर बॉयज ना? ओके ओके, टेक द ग्रुप फॉर। तो भाई यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और मन को दुख भी हुआ मेरा, तो अगर कुछ देर अगर यहाँ पर रुकता तो मेरा आंसू निकल जाता है यार। बहुत बहुत मुश्किल होता है यार। खुद आप सोचिए, आपका माँ बाप नहीं होंगे, इनका ये जो ट्री हाउस को चला रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही मुश्किल है, और जो यहाँ पे रुक रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। सोच ले, जो लोग ये हॉस्टल लाइफ बिताए होंगे ना, वही लोग ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं यहाँ का लाइफ कैसा है। और ये जो कर रहे हैं ये लोग काम, जो ये इनका मॉम है, वो सोचिए कितना मुश्किल हो रहा होगा उसके लिए, पैसा अमाउंट को लाना और यहाँ पे चलाना, सब बच्चों को पढ़ाना और देखभाल करना। यहाँ पे पास में एक स्कूल है जहाँ पे ये लोग जाके पढ़ाई करते हैं, और हम लोग यहाँ से अभी निकलने वाले हैं। से अभी जो चिल्ड्रन हाउस है वहाँ से रिटर्न जा रहे हैं, और यहाँ पे जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे जितना भी स्ट्रीट का बच्चे हैं उनको लाके यहाँ पे रखा जाता है, और उनको केयर दिया जाता है, और उनको पढ़ाया जाता है। और इनका लाइफ बहुत ही मुश्किल है भाई, जो लोग इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो लोग हॉस्टल पे लाइफ बिताए होंगे, जो लोग अनाथ है, जिनका माँ बाप नहीं है, वो लोग ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं अगर कुछ देर रुकता तो मेरा आंखों से आंसू निकल जाता, क्योंकि उन बच्चों को देख के, और जो ये मतलब स्कूल को और ये हॉस्टल जैसा है जो ट्री हाउस को हैंडल करते हैं, और गवर्नमेंट से कोई इनको सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो मेरे तरफ से जितना हुआ मैंने किया, और अगर हो सके तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, अगर आप कोई भी आ रहे हैं तो यहाँ पे मिल सकते हैं। शायद मैं पहला इंडियन हूँ जो यहाँ पे आया हूँ, और अभी रोहन का घर जा रहे हैं लंच करने के लिए, तो देख रहे हैं ये एरिया ऐसा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, छोटा सा वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो था, और मैं कोशिश कर रहा हूँ डीपली केन्या जगह में जाके विजिट करने के लिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे और भी अच्छा अच्छा वीडियो मैं बनाऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। Ah